तो हाँ जी, क्या हाल चाल। तो भाई Redmi रेडी अपने Note 13 सीरीज को लॉन्च करने के लिए। अब जी हाँ, सीरीज की बात हो रही है, एक दो स्मार्टफोन नहीं, लेकिन खैर आज मैं बात करूंगा Redmi Note 13 Pro Plus के बारे में। और इसके अंदर दो स्मार्टफोन और है, Redmi Note 13 और Redmi Note 13 Pro। लेकिन बता दूं, ये तीनों ही स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाले, कंफर्म हो चुका। फिलहाल अभी एक का कंफर्म है, Redmi Note 13 Pro Plus के बारे में। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी ने खुद ही टैग किया हुआ है, ट्विटर पर टैग करके दिया गया है कि जल्द ही आपको जनवरी में ये लॉन्च कर दिया जाएगा। अब ये मिड जनवरी या फिर लास्ट जनवरी तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन खास बात ये है कि इंडिया वेरिएंट, जो इंडियन वेरिएंट्स होंगे, उसमें क्या खास होने वाले हैं और किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा, सब कुछ बात करूंगा, सब कुछ शेयर करूंगा। जल्दी से क्या करना है, सबको पता है भाई साहब, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी, आप सबको पता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, यहाँ मुझे बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूँ आपका दोस्त अनुभव अनूप, आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूँ। तो हाँ जी, चलिए देखते हैं कि Redmi Note 13 Pro Plus यानी कि इंडियन वेरिएंट्स में क्या खास होने वाली है और क्या प्राइस पॉइंट होगी, सब कुछ शेयर करूंगा। शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। नो डाउट यहाँ आपको दो टाइप की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलने वाली है, ग्लास बैक और वेगन लेदर बैक के साथ एल्युमिनियम फ्रेम, ग्लास फ्रेम देखने को मिलेगा। लेकिन बता दूं, वेगन लेदर से थोड़ा सा दूर ही रहना, क्योंकि जल्दी इसमें एक बार कट आ गया तो खराब हो जाता, गंदा बहुत जल्दी होती है, मतलब गंदगी होने में टॉप नॉच है भैया इसका। तो थोड़ा सा वेगन लेदर साइड रखना, यदि आप सब मतलब बचा के चल सकते हैं तभी लेना आप। हाँ, फ्रंट बैक की जिसका प्रोटेक्शन है, कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला यहाँ पर है। और फोन का वेट बताया जा रहा है 204 ग्राम थिकनेस, 8.9 mm, साथ में IP68 की रेटिंग देखने को मिलने वाली है। यानी कि भाई साहब, वेट तो है हल्का सा मोटा तो है, लेकिन धूल और पानी दोनों से ही फोन को प्रोटेक्ट करने वाली है। खैर, अब बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो डिजाइन वही होने वाला है जो आपको चाइना में देखने को मिला था। बैक साइड देखते हैं तो टॉप पर आपको ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग मिलेगी, इंडिविजुअल कैमरा हाउसिंग एलईडी फ्लैश के साथ। नीचे आपको रेडमी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। फ्रंट साइड की बात करें तो सेंटर पंच होल के साथ कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और कर्व्ड डिस्प्ले का मजा ही कुछ अलग है भाई साहब। बॉडी टू रेशियो की बात करें, 90% बॉडी टू रेशियो देखने को मिलने वाली, यानी कि वेजस और चीन एकदम से पतली सी होने वाली है। कलर्स की बात करें, कलर्स भी अच्छी है भाई साहब, ब्लैक, ब्लू, वायलेट और कैमो ग्रीन करके कलर है। कैमो ग्रीन थोड़ा ज्यादा ही प्यारा लग रहा है, बाकी आप अपना कलर्स बता देना। लेकिन अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो कंटेंट कंज्यूम करने में मजा आने वाला भाई साहब, लिटरली यहाँ मिलेगा 6.67 इंच की 1.5K 12B का OLED पैनल, 27:12x12:20 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:20 का स्पेक रेशियो, 446 पीपीआई की पिक्सल डेंसिटी, 1800 निट्स की पिक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट, HDR10+, वाइड वाइन L1, डॉल्बी विजन सपोर्ट पूरी मिलेगी, कोई कमी नहीं है भाई साहब यहाँ पर। 1.5K का है, 12 बिट का है, कलर्स आपको अच्छे मिलेंगे। कंटेंट कंज्यूम करेंगे ना, यानी कि नेटफ्लिक्स को छोड़ दें तो अमेजन यूट्यूब पे आप HDR रगड़ के देख सकते हैं, कलर्स आपको शानदार होने मिलने वाली है। और हाँ, ब्राइटनेस अच्छी है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करते हैं, गेमिंग करते हैं, स्मूथ स्पीड नजर आने वाली है। लेकिन अब बात करें परफॉर्मेंस की। तो भाई साहब, इस फोन को शक्ति देगा MediaTek के तरफ से Dimensity 7200 अल्ट्रा प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिक से बनाया गया, एनर्जी एफिशिएंसी मस्त रहती है, हीट उसे काफी कम देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं कितना पावरफुल है, यानी कि रॉ सीपीयू की तरफ यहां मिलता है 2 कोर्टेक्स A715 जो कि 2.8 GHz क्लॉक किया गया है, वहीं 6 कोर्टेक्स A510 जो कि 2 GHz क्लॉक किया गया है। परफॉर्मेंस तो देखा जाए अच्छी है, कोई खराब भी नहीं है, गेमिंग भी आप अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ मिलता है Armali G610MC4G के साथ ही LPDDR5 RAM, UFS 3.1 वाला स्टोरेज देखने को मिल जाता है। यानी कि भाई साहब, गेमिंग भी आप अपना आराम से 60fps से गेमिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ है। चलिए देख लेते हैं कितना और पावरफुल, यानी कि ऑटो डिस्को देखें तो 7,67,000 का स्कोर देखने को मिला है, यानी कि मिनिमम स्कोर होना चाहिए 6 लाख गेमिंग के लिए, उससे 1 लाख ज़्यादा है, 1 लाख या 1.5 लाख ज़्यादा है, यानी गेमिंग शानदार होने वाली है। अरे बात 5G पेन की, तो 9 5G पेन आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। अब बात करें इसके कैमरा की। तो ट्रिपल कैमरा है, पहला है 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OI सपोर्ट के साथ सैमसंग का HP3 सेंसर, वहीं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड यूजलेस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर जो कोई काम के नहीं है यहां पर। अब कंपनी को ना हमें जहां तक उम्मीद है, आने वाले टाइम पे अब ये भी
टेलीफोटो लेंस यूज करना शुरू कर देगी, क्योंकि सबको पता है कैमरा कुछ खास है नहीं, तो सरप्राइज आप बढ़ा दो लेकिन टेलीफोटो लेंस यूज करो तो शानदार होने वाला। आपका क्या ओपिनियन है बताना कमेंट सेक्शन पे। लेकिन रियर से 4K 30fps 1080p 120fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। सवाल है आपके खूबसूरत चेहरे कैप्चर करने के रील शॉट्स बनाने के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया, जहां से 1080 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए अच्छा है, 60fps का ऑप्शन दे रखा है तो क्वालिटी अच्छी होने वाली है। अब सैंपल आता है इंडियन वेरिएंट्स का, तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा कहां पर, एक्स यानी ट्विटर पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन अब बात करें बैटरी की, हाँ मिलेगा 5000mAh की बैटरी, 120W की चार्जिंग सपोर्ट, चार्जर बॉक्स में डेफिनेटली देखो मिलता है, बैकअप शानदार निकाल के देगा। अब बात करते हैं सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की। No doubt, under display fingerprint sensor, face unlock option, definitely sensor, सारे sensor मिलेंगे, accelerometer, gyroscope, proximity, फलाना दिखाना, shutter putter, NFC भी देखने को मिल सकती है, ऐसा कुछ leak सामने आया, मिल सकती है, IR blaster भी देखने को मिलेगा, USB Type-C port मिलेगा, dual studio speaker देखने को मिलेगा, 3.5mm audio jack, ना ही कोई card slot देखने को मिलने वाली है। लेकिन बात करें सॉफ्टवेयर की, तो अभी कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि एंड्रॉइड 13 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स आपको MIUI 14 देखने को मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस करके यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 14 हाइपर OS देखने को मिल जाए। अभी यहाँ पर दुविधा में है, डाउट है, लेकिन उम्मीद है कि एंड्रॉइड 13 और MIUI 14 साथ ही देखने को मिलेगा, जहाँ पर ब्रॉडवे देखने को मिलते हैं अच्छे खासे, सॉफ्टवेयर एक्स में आपको अच्छे खासे नहीं ठीक ठाक मिलेंगे। बात करें वेरिएंट्स की, यहाँ मिलेगा 12+256, 12+512, 16+512। ऑप्शंस तो अच्छे हैं, हो सकता है कुछ अपडेट भी यहाँ देखने को मिले, भी कुछ अपडेट नहीं है लेकिन हो सकता है यही आपको मिलेंगे, कंफर्म है 95% चांसेस यही आपको वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले। लेकिन सवाल है प्राइस क्या होगी, तो जल्दी से भाई साहब क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, 150 टारगेट है, पहुंचाइए, शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड फ्रेंड के साथ, उम्मीद है कि आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और चैनल परिवार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना के मध्य कंटेंट क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड की जाती है। खैर सवाल है कि प्राइस क्या होगी, प्राइस बताया जा रही, प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है कि अराउंड 30,000 के अंदर इसका बेस वेरिएंट देखने को मिल सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। देखते हैं क्या खास है, आपके हिसाब से क्या इसकी प्राइस पॉइंट होनी चाहिए और कितने एक्साइटेड है Redmi Note 13 Pro Plus को लेकर, जरूर बताया कमेंट करके, कमेंट किया कीजिए तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो सर यूट्यूब के एल कुछ ना कुछ लग जाता है तो व्यूज में हेल्प हो जाते हैं। लेकिन खैर अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, आगे देखिएगा कमेंट ऑफ द डे में से चार लोग कौन है, यदि आपका भी नाम चाहते हैं आना तो कमेंट भर दीजिए जितना भर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Thank you.